हेलो पीपल, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। आज 12 फरवरी है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्री रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इरानियन रेवोल्यूशन है। इसको इस्लामिक रेवोल्यूशन भी बोला जाता है या 1979 रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। तो ये रेफर करते हैं हम उस इवेंट को जब जो मनाक थे ईरान के, उनको ओवरथ्रो कर दिया गया एंड एक इस्लामिक रिपब्लिक की गवर्नमेंट बना दी गई अंडर द लीडरशिप ऑफ ग्रैंड आयतुल्ला रूहुल्ला खुमैनी। ठीक है जी। एंड इस मूवमेंट में बेसिकली था क्या कि जो ऑलरेडी इनकम्बेंट मनाक थे, उनको US की बैकिंग थी, बट लेफ्टिस्ट एंड इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज स्टूडेंट मूवमेंट के चलते जो आयतुल्ला थे, उनके अंडर प्रोटेस्ट हुए। ये भी एक लीडर थे उस ईरानियन रेवोल्यूशन की वेरियस मूवमेंट्स के। एंड फिर फाइनली उनको, जो शाह थे ईरान के, उनको ओवरथ्रो कर दिया गया। तो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो हम रिलेट करते हैं इरानियन रेवोल्यूशन से ही। सबसे पहले तो ये जो कस्टमरी कॉसेस होते हैं रेवोल्यूशन के, यूजुअली या तो कोई वॉर में डिफीट हो गई कंट्री, या फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है कंट्री में, या फिर कोई पीस एंड रेबेलियन है, या मिलिट्री में कोई कू मिलिट्री कू कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं था ये सबसे। इनफैक्ट कंट्री काफ़ी फ्री थी उस टाइम एंड काफ़ी स्टेबल चल रही थी। तो इसलिए ये एक पेक्यूलियर फीचर है इरानियन रेवोल्यूशन का कि इट लैग्ड मैनी ऑफ द कस्टमरी कॉजेस। तो जो यूजुअल रीजंस होते हैं किसी रेवोल्यूशन के होने के, वो सब इसमें लैकिंग थे। एंड मोरोवर जो कंट्री थी ईरान, वो काफ़ी प्रॉस्पर कर रही थी, एक्सपीरियंसिंग रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी एज वेल। एंड इनफैक्ट जो रेवोल्यूशन हुई उसके बाद जो इरानियंस थे, उनको कुछ को एग्जाइल में जाना पड़ा। तो अकॉर्डिंगली फिर कुछ ऐसे व्हाट वी कैन कॉल कि ग्राउंड वर्क ऐसा नहीं था, कुछ जो कंट्री की पोजीशन थी वो कोई ऐसे अनस्टेबल नहीं थी। तो काफ़ी रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी के चलते ही रेवोल्यूशन हो गई। एंड इसने रिप्लेस किया प्रो वेस्टर्न अथॉरिटेरियन मोनार्की को एंटी वेस्टर्न टोटेलिटेरियन थियोक्रेसी के साथ। ठीक है जी। एंड नॉन वायलेंट ये रेवोल्यूशन थी कंपैरेटिवली, लेकिन रेवोल्यूशन होने के बाद कुछ इंसिडेंसेस हमें मिलते हैं जब वायलेंस होती है, अदरवाइज काफ़ी नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन थी। तो ये कुछ 4-5 पेक्यूलियर फीचर हैं इरानियन रेवोल्यूशन के। आगे बढ़ते हैं, GS2 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2005 है। तो इसके फीचर्स थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस एक्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया कि जो भी फॉरेस्ट ड्वेलिंग स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, FDSTs बोलते हैं उनको, तो इनके फॉरेस्ट राइट्स को रिकॉग्नाइज किया ऑन द लैंड जो वो ऑक्यूपाई कर रहे थे बिफोर 25th October 1980। तो ये कट ऑफ डेट दे दी। एंड जो भी जो स्केड्यूल्ड ट्राइब वेरियस जगहों पर जो भी लैंड ऑक्यूपाई कर रही थी, उनको जो उनके फॉरेस्ट राइट्स हैं उस जगह से रिलेटेड, वो उनको दे दिए गए। एंड FDST न्यूक्लियर फैमिली एंटाइटल्ड टू लैंड ऑक्यूपाइड सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 2.5 हेक्टेयर्स। तो ये अपर लिमिट रखती गवर्नमेंट ने, 2.5 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड नहीं रख सकती एक FDST न्यूक्लियर फैमिली। एंड द लैंड मे बी एलोकेटेड इन ऑल फॉरेस्ट इंक्लूडिंग कोर एरियाज ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। तो नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज के भी जो कोर एरियाज हैं, उनको एक्सक्लूड नहीं किया गया इस एक्ट के थ्रू। एंड इनफैक्ट जो न्यूक्लियर फैमिली होंगी FDST की, उनके वहाँ पर भी 2.5 हेक्टेयर जो मैक्सिमम एलोकेशन हुई है, जो भी ऑक्यूपाइड लैंड था उसके ऊपर, वो एज सच रखी गई वैसे की वैसी। एंड इनफैक्ट इन कोर एरियाज जो FDST हैं, उनको प्रोविजनल लैंड राइट्स मिले फॉर 5 ईयर्स, लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट होगी उनको रीलोकेट एंड रिकम्पनसेट करेगी जो भी कोर एरियाज में लोग रह रहे थे जिन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी थी वहाँ पर लैंड। एंड अगर कोई ऐसी रीलोकेशन नहीं होती विद इन दिस फाइव ईयर पीरियड, तो जो भी ऑक्यूपेंट होंगे उनको परमानेंट राइट मिल जाएगा ओवर दैट लैंड। ठीक है जी। एंड इसके बाद ये आउटलाइन करती है 12 फॉरेस्ट राइट्स को, जैसे कि राइट टू लिव इन द फॉरेस्ट, सेल्फ कल्टीवेशन का राइट है, एंड टू यूज़ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है, जैसे फ्रूट्स हो गए या टेंडू लीव्स हो गए, तो एज सच विदाउट कटिंग द ट्रीज जो भी फॉरेस्ट से रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वो सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में कैटेगराइज करते हैं हम। अगर आप चाहें तो इसके बारे में थोड़ा और देख लीजिएगा, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस किसको बोलते हैं। इसके बाद जो ग्राम सभा है, उसके पास पावर है कि वो इनिशिएट कर सकती है द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट। तो जो पावर है कि किसी भी फॉरेस्ट में जो
हमारे FDSCs रह रहे हैं उनके पास किस किस चीज़ों से रिलेटेड फॉरेस्ट राइट्स होंगी, वो पार्क किसके पास है, ग्राम सभा के पास ही है, ठीक है जी। एंड दैट मे बी गिवन टू ईच एलिजिबल इंडिविजुअल और फैमिली। तो ग्राम सभा का इंपॉर्टेंट रोल है एक इसमें। दूसरी बात, कुछ 12 फॉरेस्ट राइट्स हैं जिनको इंक्लूड करता है ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। एक कट ऑफ डेट है एंड एक मैक्सिमम लिमिट है जिससे ज़्यादा कि कोई FDST न्यूक्लियर फैमिली ऑक्यूपाई नहीं कर सकती जगह इन द कोर एरियाज एज वेल। एंड कोर एरियाज भी इंक्लूडेड थे, लेकिन अदरवाइज जो अगर हम ओवरऑल देखें तो पीपल वर टू बी रिलोकेटेड, उसके बाद 5 साल के अंदर अंदर लोगों को वहाँ से निकाल कर रिलोकेट करना था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये ट्राइबल एरियाज़ बेसिकली जो 6 शेड्यूल में एरियाज़ मेंशन हैं उनको रेफर करते हैं हम। एंड जो 4 हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, वहाँ पर ये जो 6 शेड्यूल एरियाज़ हैं ये वाली चीज़ें एप्लीकेबल हैं। एंड ये प्रोवाइड करते हैं फॉर डिसेंट्रलाइज्ड सेल्फ गवर्नेंस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू लोकल कस्टमरी लॉज इन द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो बेसिकली क्या है कि जो हमने 6 शेड्यूल्स एरियाज़ कुछ ऐसे देखे कि जो नॉर्मल कंट्री हमारी चल रही है, फंक्शनिंग चल रही है, या जो थोड़े ट्राइबल एरियाज थे 5th शेड्यूल में भी, उनके कंपैरिजन में ये जो 6 शेड्यूल वाले एरियाज हैं ये थोड़े ज़्यादा डिस्टिंक्ट हैं एंड कल्चरली काफ़ी डिफरेंट हैं उन एरिया से। तो इनको ओवरऑल अगर हम शेड्यूल्ड एरियाज में रखते जो हमारे 5th शेड्यूल में आते हैं, तो भी इनकी जो कल्चरल राइट्स हैं, कस्टमरी लॉज हैं, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता था। तो इनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाई गई 6 शेड्यूल में, इन 4 स्टेट्स में ये जो डिस्टिंक्टिव ट्राइबल कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए इन एरियाज़ को अलग से कैटेगराइज किया गया। एंड इनकी खास बात क्या है कि डिसेंट्रलाइज सेल्फ गवर्नेंस तो है ही, गवर्नर के पास पावर है कि वो ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन एरियाज़ में ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है जी। एंड गवर्नर के पास ही पावर है कि अगर वो चाहें तो एरिया इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जो ट्राइबल एरिया है उसकी बाउंड्रीज को रीडिफाइन कर सकते हैं। एंड प्रेजेंटली एक काउंट्स जो कम हमारे ऑटोनमस काउंसिल्स हैं उनकी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज की है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसके बारे में जान लेते हैं। जो करंट बिल आया है वो अमेंड कर रहा है आर्टिकल 280 को, विच वुड गिव ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द काउंसिल्स दैट एडमिनिस्टर द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो इनको याद रखने का तरीका है AMTM एंड इनेबल देम टू अंडरटेक डेवलपमेंट वर्क्स। तो सबसे पहले तो जो प्रपोजल क्या है कि उनको जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा, उनका जो ट्राइबल सॉरी जो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका ज़्यादा कंट्रोल, ऑटोनमस काउंसिल्स हैं उनका खुद का कंट्रोल होना चाहिए उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर। मोर ओवर इट प्रपोजेस टू रीनेम द एग्जिस्टिंग ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एज ऑटोनमस टेरिटोरियल काउंसिल्स बिकॉज द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ काउंसिल एक्सटेंड्स टू मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो लीगल लूप होल है इसको कर्व करने की ट्राई कर रहे हैं कि अब उनको ऑटोनमस टेरिटोरियल काउंसिल्स बोला जाए रादर देन ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जो भी एक काउंसिल है उसका जो एरिया होगा या उसकी जो बाउंड्री होगी वो ओवरलैप करेगी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री के साथ। तो अगर एक जो ऑटोनमस टेरिटोरियल काउंसिल जिसको बोलेंगे उसकी बाउंड्री एक या दो डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ सकती है, तो इसीलिए इस कन्फ्यूजन को, लीगल कन्फ्यूजन को रिमूव करने के लिए ये नया स्टेप लिया जा रहा है कि उनको रीनेम करेंगे हम, ऑटोनमस टेरिटोरियल काउंसिल्स बुलाएंगे अब से। एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी कि ऑटोनमस काउंसिल्स विलेजेस एंड उनमें जो भी म्यूनिसिपल काउंसिल्स लोकेटेड हैं उनमें इलेक्शंस स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगी। एंड द विलेज काउंसिल्स विल बी एम्पावर्ड टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये भी विलेज काउंसिल्स का भी रोल एनहेंस करते हुए उनको अब एम्पावर किया गया है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के प्लान बनाएं, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, लैंड इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, माइनर इरीगेशन वर्क्स, वाटर मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड सोशल फॉरेस्ट्री। तो ग्राउंड लेवल का जो भी काम है, विलेज लेवल का जो भी काम है मैनेज किया जा सकता है, वो पावर अब विलेज काउंसिल्स को दे रही है, दे रहे हैं हम इन इस बिल के थ्रू कि जो ग्राउंड वर्क है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो ये जो वेरियस चीज़ें मैंशनड है इस लास्ट वाली लाइन में, ये आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यू नेवर नो कुछ डायरेक्टली लिंक चीज़ें पूछी जा सकती हैं।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, GS3 की तरफ चलते हैं। हमारे पास है SDG इंडेक्स, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाला इंडेक्स जो है हमारा, ये इंडिया में निकालती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको मॉस्पी बोलते हैं, इन कोलेबोरेशन विद ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट एंड यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया। ठीक है जी, एंड नीति आयोग में इसके पास, इस इंडेक्स के थ्रू, या अगर हम ओवरऑल बोलें तो नीति आयोग के पास एक जिम्मेदारी है कि उन्होंने ओवरसी करनी है पूरी इम्प्लीमेंटेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंडिया में इम्प्लीमेंट करवाने की जो जिम्मेदारी है वो नीति आयोग की है। तो नीति आयोग इज़ दस इम्पॉर्टेंट बॉडी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। एंड जो दूसरा काम नीति आयोग ने क्या करना है कि उन्होंने कॉम्पिटिटिव एंड कॉपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना है इन स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है जी, तो ये जो SDG का इंडेक्स है ये अलाइन करता है, या सॉरी, जो नीति आयोग वाली ये बात है ये अलाइन कर रही है विद प्राइम मिनिस्टर्स क्लेरियन कॉल कि सबका साथ सबका विकास, जिसमें 5 P's ऑफ ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मूवमेंट हैं, पीपल, प्लानट, प्रॉस्पेरिटी, पार्टनरशिप एंड पीस। तो ये हैं 5 P ऑफ प्रधानमंत्री, सबका साथ सबका विकास। ठीक है जी, इसके बाद इंडियाज ग्रोथ प्रोग्रेस इन SDG इज क्रूशियल। क्यों? क्योंकि 17% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो इंडिया में रह रही है, तो इसलिए इंडिया का SDGs को एडहेयर करना, इनके थ्रू काम करना बहुत ज़रूरी है। एंड मोर ओवर इंडिया स्पैन करता है, ये जो इंडेक्स है, सॉरी, जो SDG इंडेक्स है ये, इसमें 13 गोल्स के ऊपर जो रिपोर्ट, जो इंडेक्स पॉइंट करता है आउट ऑफ द 17, तो इसमें 12, 13 एंड 14 जो SDGs हैं इनको नहीं इंक्लूड किया गया, क्योंकि दे कुड नॉट बी मेजर्ड एज रेलिवेंट स्टेट एंड यूटी लेवल, जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं था। एंड SDG 17 लेफ्ट आउट है क्योंकि इट फोकसेस ऑन इंटरनेशनल पार्टनरशिप। तो हमारे पास बचे बाकी 13 SDGs जिनके ऊपर एक कॉम्पोजिट इंडेक्स, एक कॉम्पोजिट स्कोर निकाला जाता है जिसकी रेंज है 0 to 100। एंड जितना बड़ा स्कोर आपका, जितना आप क्लोजर टू 100 हैं, उतना आपने अच्छा काम किया है एंड उतने आप अपने टारगेट को अचीव करने के क्लोज हैं। जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का टू वेरियस स्टेट्स या वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, विच एवर इज द यूनिट, तो वो है सबसे पहले जो 0 to 49 स्कोर है तो एस्पिरेंट हैं आप, उसके बाद 50 to 64 परफॉर्मर, 55 to 99 फ्रंट रनर, एंड अगर 100% अचीव करें आपका स्कोर, अगर 100 आ गया तो यू आर अचीवर। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं, क्लासिफिकेशन अवेलेबल है, पूरे SDGs नहीं कवर होते इसमें, ओनली 13, रेस्ट आर लेफ्ट ड्यू टू वेरियस रीजंस। ठीक है जी, एंड हमारा जो प्रधानमंत्री की कॉल है सबका साथ सबका विकास, उसके अलाइंड है, उसके 5 P's को भी फॉलो कर रहा है ये, पीपल, प्लानट, प्रॉस्पेरिटी, पार्टनरशिप एंड पीस। एंड नीति आयोग एक अहम बॉडी है इसमें। ठीक है जी, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। एंड एक मैं और आपको बात बताना चाहूँगा कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें अपने आप को टेस्ट करना तो आप परचेज़ कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ को। मोर ओवर इस सैटरडे हम एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अपने आप को कैटेगराइज करने में कि कौन सी चीज़ लैग कर रही है आपके, कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं, कौन से आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। तो एक तरह तरीके से आपका SWOT एनालिसिस हो जाएगा उस टेस्ट के थ्रू। तो टेस्ट की काफ़ी नॉमिनल सी फीस है, अगर आप चाहें तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे जो प्लेटफॉर्म है courses.sleepyclasses पर जाकर आपको रजिस्टर करना है एंड वो टेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेस्ट की डेट दोबारा से बता देता हूँ, इट इज़ 16 February। ठीक है जी, फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।